Welcome to Sharma G Engineering. सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शर्मा जी इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डीसी, ईसीई, पीई, पीपीई, पीएमडी और पीएम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर। क्या है मैं आपको आगे बताता चलूँगा, धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक डीसी, ईसी, पीई, पीपीई, पीएम, पीएम जो भी पीएमडी है, उन सभी का रिजल्ट आपको देखने को मिल गया। रैंक कार्ड आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। अब दिमाग में क्वेश्चंस आ रहा है कि क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम इस नोटबुक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि आपको एक विवरण पुस्तिका है 2019 का, जो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा निकाली जाती है जब जब एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे। बेसिकली यह एक क्विक रीडर है, यानी कि आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। इसमें कितने आपको ब्रांच देखने को मिलते हैं, कॉलेज कितने हैं, कितने कॉलेज में कितने कितने ब्रांच हैं और उनकी कुल सीटों की संख्या कितनी है, आप सभी को इन सभी चीज़ों के विवरण इस बुक में देखने को मिल जाता है। ये एक पीडीएफ फॉर्मेट है, ऐसा कोई बुक नहीं आता है, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में देखना होगा। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को लेना, तो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर के ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप बीसीईसी के ऑफिशियल साइट पर जाकर के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आप देख सकते हैं डीसीईसी करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप इस पुस्तिका को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको विषय सूची दी गई है, विवरण बताया गया है। सबसे पहले आपको परिचय कराया जाएगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, संस्थान, पाठ्यक्रम और उपलब्ध सीटों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसकी अर्हता और वांछित योग्यताएं क्या क्या होती है पीपी, पीएम, पीएमडी और पीई वालों के लिए, इन सभी को आपको इसी बुक में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको कौन कौन सी हेल्प मिल सकती है, आरक्षित सीटें मिल सकती है और क्या क्या इसमें आवेदन शुल्क वगैरह है, प्रतियोगिता परीक्षा जो पास करते हैं उसमें, तो इन सारे चीज़ों का विवरण आपको इसमें देखने को मिल गया है। आप लोग सभी लोग एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, तो आपको ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ अन्य सूचनाएँ भी आपको देखने को मिलती है, जैसा कि मैं आपको आगे अभी बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ कोर्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लोगों ने तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप कर दिया, एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ वही दिया गया क्या क्या आपको अनुलग्न करना है जब आप इस चीज़ को फॉर्म भरते हैं, पीएम, पीएमडी जो भी है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को हम लोग नहीं करेंगे, तो मैं इतना ढूंढूंगा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देता हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं परिशिष्ट वन में और यहाँ आपको देखने को मिलेगा उन सारे कॉलेजों के नाम, उनमें कितनी सीटें अवेलेबल है, अतिरिक्त सीटें कितनी होती हैं, कुल सीटें कितनी होती हैं और सैनिक स्कूल, सैनिक कोटा में आपको कितने आरक्षित सीट देखने को मिलते हैं, सभी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ आपको मिल जाएगा शाखा यानी कि ब्रांच नेम, जिसे आप ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपका अगर रैंक कितना के बीच कितना है, तो आपको कौन कौन से कॉलेज आपको चुनने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास, आपके जहाँ घर है, जहाँ आप सुविधा ले सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार ही कॉलेज को चूज कीजिए। ज़्यादा दूर चूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज का हाल एक जैसा ही है। वो मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इस कॉलेज का हाल है और आपको क्या क्या देखने को, सीखने को मिलेगा, हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो सिर्फ हम यहाँ बात करने वाले हैं सीटों के बारे में, तो मैं आपको एक एक करके शॉर्ट में समझाता चलूँगा कौन कौन सी सीटें हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 और राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 7। ठीक है, ये न्यू राजकीय पॉलिटेक्निक है, जिसका हम लोग नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक के नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको असैनिक, यांत्रिक, विद्युत अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिक यानी जिसमें हमें ऑटोमोबाइल बोलते हैं और कंप्यूटर साइंस, यानी कि आपको 6 ब्रांच देखने को मिल जाता है।
जैसा कि मैं आपको पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि 6 ब्रांचेज जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ जो पटना 7 आप देख सकते हैं, इसमें आपको असैनिक अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, यांत्रिकी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस देखने को मिल जाता है। टोटल मिला करके 3, 3, 6 और 2, 8, यानी 8 आपको पटना 7 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कहीं 7, कहीं 3, कहीं 4 आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। और सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी प्रकार के शाखा यानी कि ब्रांच उपलब्ध मिल सकता है। तो इस पूरे आप जितने भी इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, इसमें आपको प्राइवेट और लेकर के गवर्नमेंट जितना भी है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्राइवेट यहाँ आप देख सकते हैं, सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं और कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं उसके बारे में यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़े से सीटों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि जो सीटें हैं यहाँ पे देखिए आपको स्टार लगा गया है +5, इसका मतलब यह है कि ज़रूरत पड़ने पर उसमें 5 और एडमिशन हो सकता है, जिसमें आपको एक सैनिक कोटा का स्टूडेंट चाहिए और 3 अतिरिक्त सीटें इस ब्रांच के लिए है। सो सभी ब्रांचेज के लिए अतिरिक्त सीटें अलग अलग है और सभी के लिए अलग अलग कुल सीटें भी अवेलेबल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमोबाइल के 30 है, वहीं मैं बात करूँ विद्युत इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर आपको 65 देखने को मिलता है। तो यहाँ 60 मैक्सिमम जो है 60 है, लेकिन किसी भी आपातकालीन स्थिति में या अतिरिक्त स्थिति में आपको जो है 5 और स्टूडेंट्स लिए जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग ज़िला के अलग अलग कॉलेजेस के सब कुछ ब्रांचों के सीटें, कुल सीटें। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से आपको ब्रांच देखने को मिल सकता है, आपका रैंक कितना और कितना है। थोड़ा सा हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं और एनालाइज करके आपको बताते हैं कि कितना कितना अगर आपका रैंक है उसके अनुसार आपको कौन कौन सा ब्रांच देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको अब डेटा के अनुसार बताता हूँ कि आपकी अगर रैंक इन दोनों में से बीच में है तो आपको इनमें से कौन सा ब्रांच चूज़ करना चाहिए और आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका रैंक 1 से लेकर के 1000 के बीच में है, जी हाँ, अगर आपका रैंक 1 से लेकर के 1000 के बीच में है, ध्यान दें हम बात कर रहे हैं अनरिजर्व की यानी कि जनरल कोटा की, ठीक है, तो आपको इस पूरे बिहार में कहीं भी किसी भी कॉलेज में कोई भी ब्रांच आपको मिल सकता है, आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही मैं आपसे अगर बात करूं कि आपका 1000 से लेकर के 2500 तक के बीच में आपका अगर रैंक है तो आप भी किसी भी कॉलेज में, बिहार के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं अपने मनपसंद के। लेकिन आपको यहाँ पर 3 से 4 ब्रांच चूज करना होगा ताकि आपको उन तीनों चारों ब्रांचों में से कोई एक ब्रांच सिलेक्शन किया जा सकता है। यह हो सकता है कि अगर आप कोई एक ब्रांच, मान लीजिए कि आपने सिविल सर्च किया, सिविल को सिलेक्ट किया है, तो आपको सिविल ना मिले आपको किसी भी बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में। लेकिन अगर आप उसके जगह पर दो और कॉलेज चूज कर लेते हैं तो आपको उन दोनों या तीन में से कोई एक ज़रूर देखने को मिल जाएगा। वही मैं आपसे बात करूं अगले सेशन की, तो अगला हमारा है 2500 से लेकर के अगर आपका रैंक 4000 के बीच में है तो आप किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपने मनपसंद चाहे ब्रांच ले सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम 5 से 6 ट्रेड चूज करना होगा, यानी आपको सभी ट्रेड को चूज करना होगा, और जहां भी सीटें आपके लिए खाली होंगी आप वो सीटें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4000 से लेकर के 6000 तक के बीच, तो 4000 से 6000 बीच आपका अगर रैंक है तो बिहार के किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। कंडीशन सेम वही है कि आपको 4 से 6 ब्रांच चूज करने होंगे ताकि आपका किसी भी कॉलेज में हो जाए। अगर आपका रैंक
6,000 से लेकर के 10,000 के बीच में है तो भी आपको ब्रांच मिल सकता है, लेकिन आपको मन चाहा ब्रांच नहीं मिल पाएगा जो आप ब्रांच खोजते हैं, जैसे कि सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, मैकेनिकल हो गया। तो ये सारे तीनों ब्रांचों के मिलने की चांस है वो हो जाती है कुल मिलाकर के 20 से लेकर के 25% तक, ठीक है। जिसका रैंक होता है ऊपर की तरफ वो सभी लोग चूज़ कर लेते हैं इन्हीं सभी ब्रांचों में। उसके बाद आपका बचता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जिसे हम लोग ईसी के नाम से जानते हैं, और बचता है ऑटोमोबाइल, फिर केमिकल इंजीनियरिंग, और उसके साथ ही साथ जो भी और भी टेक्सटाइल वगैरह है यहाँ आप देख सकते हैं, तो वो बच जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम लोग उन लोगों के लिए जो कि पटना में एडमिशन चाहते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम पटना में एडमिशन कराना चाहते हैं, हमारा रैंक कितना है, हमारा यूआर में इतना है, हमारा ईबीसी में इतना है, हमारा बीसी में इतना है, तो क्या हमारा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। आपका पटना में रैंक अगर 5,000 के अंदर है तो आपका एडमिशन पटना में होने की चांसेस जो है 70% है कि आपका पटना में हो जाएगा। लेकिन यह गारंटी आपको नहीं है कि आप जो ब्रांच खोज रहे हैं, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, जो भी आपका पसंदीदा ब्रांच, जो भी आपको मैं बताया कि ये काफ़ी फेमस ब्रांचेज है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो सभी लोग लेना चाहते हैं, तो इनमें से आपको हो सकता है मिल भी जाए और नहीं भी मिले। तो दोस्तों ये जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, इसमें आपके ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है। अगर आपके लिए वहाँ पर सीटें खाली हैं तो आपको ज़रूर दिया जाएगा। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आपको जो ब्रांचेस चाहिए किस प्रकार से चूज करेंगे आने वाली अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में मेरा मकसद यही था कि आपको समझा सकूं कि कितना अगर सीटें अवेलेबल हैं बिहार बोर्ड में और आपको पटना में एडमिशन चाहिए तो आपका रैंक जो है वो 5,000 के अंदर होना चाहिए यूआर में, ठीक है। तो उसमें भी आपको मन पसंदीदा ब्रांच नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अपने घर के आसपास यानी अपने ज़िले में ही ब्रांच को चूज करते हैं और कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, तो उनके लिए बेटर है, आने जाने की सुविधा अच्छी खासी रहेगी और रहने की खाने की सभी सुविधा आपको मिलेगी। तो आप, चूँकि मैं इसकी हालात के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, उन सारे नई नई चीज़ों के लेकर के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको उम्मीद है कि पसंद आ गया होगा, तो इस दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी जो लोग हैं इनको प्रॉब्लम्स हो रही है तो उन सारी चीज़ों को आपको समझ में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल नेक्स्ट, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।